हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ललिता। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे बाय डिवीजन मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। हमें फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम नंबर लेंगे, जैसे हमने नंबर लिया 36। ओके, हमें 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं डिवीज़न मेथड से। ओके, तो जब हम डिवीज़न मेथड से स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन डालते हैं। ओके, एक इस तरीके से डालेंगे। अब ये जो हमारा नंबर है 36, इसको लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब 36 को स्टूडेंट्स हम कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमें डिवाइज़र लेना है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है स्टूडेंट्स, वो है 2। ओके, अब प्राइम नंबर स्टूडेंट्स कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। मींस उन नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। ओके, जैसे 2 है, अब 2 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट हमारा क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 16 बन जाएगा। तो 2 8 जा 16। ओके, हो गया ये क्लियर, 36 हमारा डिवाइड हो गया 2 से। अब यहाँ आया 18, अब यहाँ पे भी हम किससे करेंगे, 2 से। 18 हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 9 जा 18। ओके, यहाँ आ गया 9। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 9 है, ये तो हमारा 2 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये जो नंबर है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा लेंगे, 3 3 3 जा 9। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे 3 है तो फिर 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3। ओके, तो ये हमने इसके क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। अब 36 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आया समझ में स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑफ 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मतलब जब हम ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 36। मीन्स जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो नंबर हमारा इनका प्रोडक्ट आएगा। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट नंबर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे 75। ओके, अब 75 के स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लाइन डालेंगे, यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे 75। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये है 75, तो ये 2 से तो हमारा डिविजिबल नहीं है। एंड इसके बाद में हम इसको कौन से नंबर से करके देखेंगे, कौन सा प्राइम नंबर लेंगे, 2 के बाद में कौन सा है, 3। तो 3 से करके देखेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचेगा, ये 15 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 25। ओके, क्वेश्चन हमारा कितना आया, 25। अब 25 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से करके देखेंगे, 3 से होगा, नहीं होगा। तो अब ये हम इसको किससे करेंगे, 5 से, 5 5 जा 25। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 75 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं डिवीज़न मेथड से, तो क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिवीज़न मेथड से। नेक्स्ट नंबर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ले लेते जैसे 91। ओके, अब 91 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 91। ओके,
अब देखो ये हमारा 2 से डिविजिबल है, नहीं, क्यों, लास्ट में क्या है 1। ओके 3 से करके देखेंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा 1, रिमाइंडर में 1 बचेगा। तो मीन्स हमें 91 को पूरा डिवाइड करना है, हम कौन से प्राइम नंबर से करेंगे, तो इसके बाद में किससे करके देखेंगे, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 7 से करके देखेंगे, तो 7 2 बचेगा 21 बन जाएगा, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 13। अब किससे करेंगे, अब सीधे 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। ओके तो इतना आसान होता है स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन से, हमें डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालना। ओके तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इक्वल्स टू 7 × 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो 91 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर ले लेंगे स्टूडेंट्स जैसे 28। ओके तो यहाँ पे हम 28 के निकालेंगे, तो इस तरीके से लाइन डालेंगे 28, ठीक है, किससे करेंगे 2 से, आपको यहाँ पे प्राइम नंबर ही लेने हैं स्टूडेंट्स, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसके बाद में 2 7 जा 14, एंड यहाँ पे आ गया 7, तो अब ये किससे होगा 7 1 जा 7। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इक्वल्स टू 2 × 2 × 7। ओके स्टूडेंट्स तो कितना आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से स्टूडेंट्स हम डिवीजन मेथड से किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।